गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम हाउ मच डू यू नो के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 44 पर है। ओके, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपने पीछे पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। ओके, यानी आपकी रिवीजन एक्सरसाइज भी बोल सकते हो, आपने कितना सीखा है उसके बारे में है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोल रहा है ड्रॉ बीड्स ऑन द एबेकस टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किया, अंदर चैप्टर में भी किए हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, रिमेनिंग टू पार्ट्स आप लोगों को करने हैं। एज फर्स्ट में बोला गया है 465। ओके, सो 465 में 5 वंस प्लेस में कितनी, क्या है डिजिट 5, तो हम कितनी बीट्स बनाएंगे 5। ठीक है, 5 बीट्स बना लिए। सेम ऐसे ही टेंस पर देखिए कि कौन से डिजिट है 6, सो 6 बीट्स बनाएंगे। नेक्स्ट 100 पर कितनी है 4 डिजिट है, सो हम कितने नंबर ऑफ बीट्स बनाएंगे 4। ओके, सेम ऐसे ही आपको बी और सी पार्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फिल इन द बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, बॉक्सेस फिल करने हैं। एज 287 यहाँ पर दिया गया है, सो 100 प्लेस पर 2, टेंस प्लेस पर 8 और वंस प्लेस पर 7 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसका भी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 900, 0 टेंस और 6 वंस, तो ये क्या बन जाएगा 906। सो यहाँ बॉक्स में फिल कर देंगे 906। नेक्स्ट डी पार्ट में बिल्कुल सेम इसी के जैसा दिया गया है, सो ये आप खुद से करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। जैसे आपसे इसमें क्या पूछा गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 382 इज, 382 की 82 में 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि हाँ क्या आएगा, तो आप पीछे जाकर अपना रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। नाउ बी में नंबर, द नंबर 806 इज ब्लैंक देन 916। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि 806 जो है वो 916 से क्या है, कितना मतलब कम है या ज़्यादा है, तो ये क्या है 110 मोर है। ओके, तो आप यहाँ पे मोर लिख लेंगे। ओके, 110 मोर। सी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 20 प्लस 1, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, हम सबको ऐड कर देते, तो आप ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट डी में आपको क्या बोला गया है, द फेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की फेस वैल्यू बतानी है इन 617 इज, 617 में 6 की फेस वैल्यू बतानी। अब आपको फेस वैल्यू कराई गई थी, को याद होना चाहिए फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की वही नंबर होता है, सो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट ई में आपको बोला गया है, द नंबर 296, 299, 341, 423 आर इन, ये आपसे बोला गया है कि किस ऑर्डर में है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्मॉल से बिग की साइड जा रहा है, यहाँ पे स्मॉल है, ये स्मॉल है ना, सारे नंबर्स इस वाले पहले स्मॉल आएगा, फिर उससे बिग आएगा, फिर उससे बिग, और लास्ट में सबसे बिग नंबर आएगा, यानी स्मॉल से बिग की साइड जा रहा है। ये किस में था, असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा असेंडिंग, और ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे पहले से रिटर्न है। नेक्स्ट एफ में क्या बोला गया आपको, द नंबर नेम 4937 इज, 937 का नंबर लिखना है, तो ये ऐसे आ जाएगा 9937। ओके, जी में आपको बोला गया, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद 3, 7 एंड 5, ये 3 डिजिट दी गई है, इन 3 डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ये आपने एक कल ही पढ़ा है कैसे बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, सो ये आप लोग कर लेंगे। पहले आप पीछे का अपना सारा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बुक आपको अपनी पेंसिल से ही फिल करनी है, डेट वगैरह सब कुछ डालने के बाद अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।